राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो शुरू करते हैं माघ मास का अध्याय। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ मास के स्नान की बात सुनो। लोमस जी कहने लगे कि हे पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजस्व यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनवाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत स्त्री गोएं सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषणों से युक्त दान दी। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम एक ब्राह्मण को, जो अत्यंत मूर्ख कुलहीन कृषि कार्य करने वाला दुराचारी तथा आदमी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह तीन दिन में ही विलाप निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज रूप बल स्त्री वस्त्र आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म का क्या कहा जाए। राज सूर्य यज्ञ करने वाला और स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवहूति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निमुक्त किया था। देवनिधि कहने लगे कि यह कहाँ का रहने वाला है, इसका पुत्र किस पिशाच को उसने नियुक्त किया, आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा कि कल्प यज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती रहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवहूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था तथा वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता और गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता। हेमंत ऋतु में सारस्वर सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। आपसे आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख करके केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कार्य करता। दधीचि ऋषि ने वरदान से ही एक श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण के
वैशाख महीने की एकादशी को हरि की भुजा कर उसकी सुंदर स्तुति तथा बिजली विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखें में आंसू भर आए और कृतकृत होकर भगवान को प्रणाम किया। अपने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवहूति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवनिधि, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए, मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि हे, ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, इसके धर्म कार्य संयोगवश होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। दोस्तों, आज की कथा समाप्त हुई। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो मिलते हैं कल और एक और कथा के साथ। तब तक के लिए मेरी सभी को राम राम। हरे कृष्णा, राधे राधे, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की जय। राधे कृष्ण की जय। माघ मास महात्म की जय। हर हर महादेव।